सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज की हिंदी की नई कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आशा है आप स्वस्थ व सुरक्षित होंगे। तो बच्चों, इससे पहले हमने पाठ एक प्रार्थना, पाठ दो सच्चा मित्र, पाठ तीन रूप बढ़ाया गुण पढ़ लिया है। अब हम पाठ चार की ओर बढ़ेंगे। तो पाठ चार आपका है, बुद्धिमान कौन। तो आपका पाठ चार है, बुद्धिमान कौन। तो पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको पाठ का थोड़ा सा सारांश बता देती हूँ। तो पाठ में एक लड़का अंश कक्षा में बहुत ही बुद्धिमान लड़का था। उसे सभी प्यार करते थे, विद्यालय में अध्यापक भी उससे बहुत प्रेम करते थे। उसी कक्षा में एक लड़का था प्रणव, जो अंश से जलन करता था, ईर्ष्या करता था, यानी कि उसको पसंद नहीं करता था। तो एक दिन उसने कक्षा में अध्यापक से पूछा कि क्या कक्षा में सिर्फ अंश ही होशियार है, अंश ही बुद्धिमान है, क्या हम बाकी बुद्धिमान नहीं है? तो कुछ देर अध्यापक सोच में पड़ गए। तो अध्यापक ने सोचा और कुछ देर पश्चात उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर यानी श्यामपट पर एक लकीर खींच दी और उन्होंने कक्षा में बैठे सभी विद्यार्थियों से कहा कि आप इसे इस लकीर को बिना काटे और मिटाए कैसे छोटा करेंगे। तो सभी विद्यार्थी सोच में पड़ गए, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे करेंगे। तो कक्षा में से ही अंश कुछ देर बाद उठा और सीधा श्यामपट की ओर आगे आ गया और उसने छोटी सी लकीर के आगे एक और लकीर खींच दी। तो सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए कि बिना काटे और बिना मिटाए लकीर छोटी कैसे हो गई। तो बच्चों, प्रणव को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने अंश से माफी मांग ली। तो बच्चों, अब हम पाठ एक साथ मिलकर पढ़ेंगे जिसे आपको ये कहानी अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो चलते हैं कहानी पार्ट चार। तो बच्चों, अब हम मिलकर पार्ट चार को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपनी हिंदी की गुलमोहर भाग दो पाठ्य पुस्तक निकालेंगे। तो जल्दी से निकालिए। आशा है आपने निकाल ली होगी। तो अब हम पाठ चार, बुद्धिमान कौन पढ़ेंगे। आप अपनी बुक में पेज नंबर 26 खोलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी अध्यापक अंश को कक्षा में सबसे बुद्धिमान मानते थे और उससे बेहद प्यार करते थे। इसे देखकर कक्षा के कुछ छात्र उससे ईर्ष्या करते थे। एक दिन उन्हीं में से एक छात्र प्रणव ने अपने अध्यापक से पूछा, सर, अंश में ऐसी कौन सी विशेष बात है जो अन्य छात्रों में नहीं है? क्या हम बुद्धिमान नहीं है? आप सदैव अंश की ही प्रशंसा करते हैं। इसका मतलब है कि अंश के अलावा बाकी छात्र मूर्ख हैं। यह सुनकर अध्यापक मुस्कुरा दिए। कुछ सोचकर उन्होंने श्यामपट पर एक लकीर खींच दी। फिर सभी छात्रों से बोले, जो इस लकीर को बिना कहीं से काटे या मिटाए
छोटा कर देगा वही सबसे बुद्धिमान होगा। सभी छात्र एक दूसरे का मुंह देखने लगे और चुपचाप बैठे रहे। अध्यापक ने सभी छात्रों से कई बार कहा, लेकिन किसी को कुछ भी सूझ नहीं रहा था। अब पेज नंबर 27 पे पढ़ेंगे। अंत में अध्यापक ने अंश की ओर देखा। अंश उठा और उसने श्यामपट पर उस लकीर के बराबर में एक बड़ी लकीर खींच दी। अध्यापक ने छात्रों से कहा, देखो अब पहली लकीर बिना कहीं से काटे या मिटाए छोटी हो गई। अध्यापक अंश की सूझबूझ और बुद्धिमानी की प्रशंसा करने लगे। यह देखकर प्रणव लज्जित हो गया। वह अंश के पास गया और बोला, मित्र मुझे क्षमा कर दो, मुझे तुम्हारे लिए ईर्ष्या का भाव नहीं रखना चाहिए था। अंश बोला, कोई बात नहीं, तुमने अपनी गलती मान ली, बस बात खत्म। हम अब से पक्के मित्र हैं। उस दिन के बाद से प्रणव ने अध्यापक से अंश की कभी शिकायत नहीं की। तो बच्चों, अब आप समझ गए हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति की सर्वत्र प्रशंसा होती है, यानी कि बुद्धिमान लोगों की सभी जगह प्रशंसा होती है। तो बच्चों, आज इस पाठ के माध्यम से हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि हमें बुद्धिमान लोगों से सीख ग्रहण करनी चाहिए, ना कि उन लोगों से ईर्ष्या करनी चाहिए, बल्कि हमें ऐसे लोगों से कुछ न कुछ सीखना चाहिए। और हमें ना तो उनकी चुगली करनी चाहिए और हमेशा सूझबूझ का प्रयोग करना चाहिए। तो बच्चों, आज हमने इस पाठ के माध्यम से सीखा कि हमें बुद्धिमान और ज्ञानी लोगों का सम्मान करना चाहिए, ना कि उनसे ईर्ष्या करनी चाहिए, और हमें उनसे अच्छी शिक्षा लेनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।